एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब और आज हम लोग क्या बनाने लगे हैं खाने में। फिलहाल दोस्त मेरे ने यहाँ पे प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए, बाकी सामान बाकी आएगा वो भी आपको दिखा देते हैं क्या क्या बनाने लगे हैं। बना रहे क्या है और जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, है ना। और खास करके जो मैंने नया चैनल बनाया उस पे, तो वही चैनल है, वही ना जो ये चैनल बनाया। हाँ तो बोलो ना, ये चैनल जो नया चैनल बना, चैनल पे आपने बोला जो नया चैनल बना, इसी चैनल पे जो आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो व्लॉग चलते हैं, साथ बने रहेंगे, जो जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बंद करो बेटा गाने, अभी बंद करो, बस बस आ जाओ इधर आप। क्या प्याज ब्राउन हो गए? जी हाँ जी। और प्याज ब्राउन से चिकन फ्राई हो रही है ना सोनी? जी हाँ, प्याज ब्राउन हो गए, चिकन ऐड अच्छे तरीके से चिकन फ्राई करेंगे, फिर मसाला ऐड करेंगे, फिर जो कुछ भी इसमें ऐड करना है सब कुछ जो है ना मैंने एक कटोरी में डाल दिया। ये सूखा धनिया है, चिकन पाउडर है और गरम मसाला है और काली मिर्ची है, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची तो डलती नहीं है, इसका हुआ है ना क्या? हाँ तो चार दिए। क्या हुआ बेटा? वो मैंने उसे कहा ना मसाला बना के दिया, मैंने कहा जल्दी जल्दी ग्रांट है मुझे दे, अभी इसके अंदर मसाला ऐड करूंगी, सब कुछ ऐड करूंगी। यहाँ पे हमारे चिकन जो है ना फ्राई अनकरीब हो चुकी है, अनकरीब नहीं हो गई है, ये लहसुन अदरक टमाटर ये लो ले या मोड़ दोबारा ना क्यों मोड़ तो जल्दी ले आ। हां यार जोड़ दी भैया, जाओ जोड़ लेगी जिसने जोड़ना। मैं कदा सालमू वाले कह रही थी कि इसमें थोड़े से मैंने आलू जो है ना वो भी काट लिए, और यहाँ पे ये थोड़ा फ्राई होता है ना मसाला तो इसमें ये ऐड करना। तो आप क्या कर रहे हैं अभी, क्या ऐड कर रहे हैं? चना नमक ढूंढ रही हूँ, इसमें भी है, इसमें होगा, इसमें ओ गिर गया। ये सूखा धनिया, चना नमक, गरम मसाला सब कुछ इसमें ये हमने ऐड कर दिया, और अभी इसे अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर जितना भी पानी लगाना है बस पानी लगा देंगे। अभी इसमें करते हैं आलू ऐड, इसके अंदर ऐड कर लेंगे आलू, क्यों ये मसाला जो हम कलर हमारा रेडी हो गया इसमें खाने लगे हैं आलू, और अच्छे तरीके से आलू फ्राई करके फिर जितना भी पानी लगाना है चावलों के हिसाब से हम लगा देंगे पानी, तो थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर चुके हैं, पानी काफी डाल के उसको भी हम लोग रखने लगे हैं, चावल डाल के, है ना। हाँ चावल धोए हैं अभी मैंने, आपको आवाज लगाई है सोनी आ जाओ, चावल मैंने धो लिए हैं, अभी इसमें करते हैं ऐड चावल, और जब चावल ऐड हो जाते हैं तो पानी मिनटों में ये खुशक हो जाएगा और जल्दी जल्दी जो है चावल तैयार हो जाएंगे। तो पूरी रेसिपी और चावल जो है ना टोटा ही लेके आए हैं हम, क्योंकि साबा जो चावल है जहाँ से हम मंगवाते हैं मिले नहीं है, तो फिर मैं ये कह रही थी कि अब हमने तैयारी कर ली है तो फिर क्या करें, फिर मैंने कहा ठीक है वही ले आओ, क्योंकि हम जहाँ से मंगवाते हैं हम एक दुकान से ही मंगवाते हैं ना सोते हैं, तो इसलिए फिर अभी कितना टाइम लग जाएगा? अभी ये 10-15 मिनट लगेंगे जी। हमारा जो है ना चावल और इंडा स्पॉट तैयार हो चुके हैं, मेरा अभी चेक करा देती है थोड़े से, तो थोड़ी सी चिकन हमने निकाली है जो के बनेगा सालन, काफी ले गया है मुकद्दस ने, अभी कच्चे बनाए हैं छोटे, काम लगे थे ना हम। अरे वाह शारून वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, एक मिनट रुक जा, इधर आ जा, सामान उधर रख दे ना, हां यहाँ पे चिकन पुलाव हमारा तैयार होगा, सुमन मुझे कह रही थी मामी अभी ना
खाना हम मैं आ रही हूँ और मिलके सब खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। लो चिकन पुलाव हमारा रेडी हो चुका है तो बस चलो उधर से पड़े गए बर्फ उठा के इसमें डाल दे। सोनिया आप खुद कर लो ना, बच्चा है वो। ओ तेरी तो बच्चा नहीं है, इतना कर सकता इसलिए उसने। अच्छा तो चलिए बस कर सही है। तो चलिए बस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अच्छा कमेंट्स करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और कमेंट्स में लाजमी बताना कि हमारा चैनल